पूरे मुल्क के अंदर देखें तो इस वक्त जो हालात हैं वो एक खतरे की घंटी है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हम मुकम्मल तौर पे बंद कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत से फिर मैं कहूंगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करें। हमने सोचा कि हमने खुद कुछ स्टेप्स लेने हैं और मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं स्टेप्स लेती तो हमें खुद अब कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हमने एनसीसी में भी ये कहा था और एनसीसी ने कहा है कि जी सूबे भी कोई एडिशनल स्टेप्स लेने चाहें तो वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हराई टेट। बात हम करेंगे सबसे पहले कोरोना वायरस की, जिसका फैलाव खतरनाक हद तक हमारे सामने है और इसके हवाले से हम देख रहे हैं कि हुकूमत एनसीओसी जो है, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल जो है इस वक्त कमेटी, वो एक रेगुलर बेसिस पर मिल रही है, रोजाना मिल रही है। और नाज़रीन, इससे पहले कि हम तफसील में बात करें, ये कहते चलें कि मसाइल बहुत हैं। एक ऐसा बनी नौ इंसान ने हालिया तारीख में शायद ही कोई इतना बड़ा चैलेंज उसके सामने आया हो, तो ये बहुत मसले हैं अभी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में पिछले साल ये एनसीओसी बन गई, क्योंकि फिर मैं कहूंगी बहुत से भी शिकायत हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, यानी कि चार प्रोविंसेस, आईसीटी, एजेके और गिलगित बल्तिस्तान, कम से कम एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से बातचीत हो रही है, जो इश्यूज हैं उस पर बात हो रही है। और ये भी कहेंगे कि शुक्र अल्लाह का कि मीडिया बोल रहा है, तो हिंदुस्तान में बड़ी दुआ है हमारी अल्लाह से, और हम बाकायदगी से दुआ करें, लाखों पाकिस्तानी दुआ करें कि हिंदुस्तान में जो एक तूफान है, एक कयामत टूटी है, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। लेकिन ये नाज़रीन, अल्लाह मुश्किल आसान जब करता है जब आप खुद भी अकल और समझ से चलें। तो अब बात करते हैं, हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, नेशनल हेल्थ और नेशनल हेल्थ सर्विसेज पे। और हमारे साथ इस वक्त पैनल पे मौजूद हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर असफंदियार खान हैं, पिम्स से ताल्लुक़ है, चेयरमैन हैं यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, और डॉक्टर रूहुल्ला मुकीम हैं डायरेक्टर खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के। ये डॉक्टर्स का पैनल गुफ्तगू सुनेगा जो हम पहले करेंगे जो पॉलिसी मेकर हैं उनसे, और उसके बाद हम इनके पास आएंगे। फर्स्ट विद ओवर टू यू डॉक्टर फैसल सुल्तान, ये बताइएगा कि सबसे पहले सबसे बड़ा मसला जो है, सवाल ये, आपकी हुकूमत बार बार कह रही है, असद उमर साहब ट्वीट करते हैं जी एसओपीस पर अमल नहीं करते। अभी हम दफ्तर आ रहे थे तो एक साहब रास्ते में बगैर उसके थे मास्क के, तो मैंने कहा जी मास्क आपने नहीं पहना, ना कहा जी इसमें कुछ नहीं रखा। ये एक किस्सा नहीं, ये लाखों किस्से हैं। तो ये जो एटीट्यूड है एसओपीस के हवाले से, आप आर्मी भी बाहर बुला रहे हैं, अभी हम देख रहे थे लाहौर में कहा जा रहा था कि जी जो नहीं जाए करेगा मास्क नहीं पहनेगा उसको जेल में डालेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हमें कह चुके हैं बार बार प्रोग्राम में, जो डीसीज हैं ये सब, वो कहते हैं जी हमारी कोई बात नहीं सुनता, लॉकडाउन होगा तो बात होगी। लॉकडाउन किधर है राइट नाउ? हम समझते हैं उसके मुआशी मसाइल, लेकिन उस लॉकडाउन पे क्या एग्जैक्टली सोच है हुकूमत की? शुक्रिया नसीम, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मसला है, और इसको बहुत सिंपलिस्टिक टर्म्स में अगर बयान करने की कोशिश की जाए तो शायद वो मुनासिब और जायज भी नहीं होगा। आपने जिस चीज का जिक्र किया सबसे पहले उससे शुरू करते हैं, वो है एक फटीग और एक ये फीलिंग या ख्याल कि ये मामला, ये जो बीमारी है या ये है नहीं, या लोग तंग आ गए हैं, वो कहते हैं अच्छा अब हम बहुत हो गई, एक साल हो गया हम और नहीं सुनते। सो एक तो ये पब्लिक का परसेप्शन है जिसको एड्रेस करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम शायद जो है कम्युनिकेशन और रिस्क को, जो ये मौजूदा रिस्क है इसकी नौइयत को उन तक पहुँचाना, आपका प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन ये भी देखा गया है कि इस चीज़ की भी एक लिमिट होती है और कई दफ़ा आपको कुछ सख्ती करनी पड़ती है, उस सख्ती की पूरी एक रेंज है, उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव एनफोर्समेंट जिसमें फाइंस हैं, पुलिस को भेज दिया, दुकान बंद कर दी, शादी हॉल जो हैं उनको बंद कर दिया, यानी एक बतदरीज स्टेप्स हैं। लेकिन कई दफ़ा लोग एक लफ्ज़ बड़ा लूजली इस्तेमाल करते हैं लॉकडाउन, एज इफ के वो कोई हर चीज़ का एक अमृत धारा है, हर चीज़ का एक सलूशन है, और बस वो, और उसके अंदर ये नहीं कभी लोग सोचते कि उस लॉकडाउन के
कॉन्टेंट्स क्या है, एग्जैक्टली क्या मुराद है उसकी लॉकडाउन की। तो मौजूदा सूरत हाल से डील करने के लिए हम ये बहुत सारे स्टेप्स तो ले चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन जहां तक ताल्लुक है उसको हम बिल्कुल ऑन टेबल है, ऑन डिस्कशन है, और उसके जो कॉन्टेंट्स हैं, उसके जो खदोखाल हैं, वो प्रोविंसेस के साथ मोर और लेस एग्री कर लिए गए हैं। और अगले चंद दिनों में अगर हमें वाजे कंप्लायंस का फर्क नहीं नजर आता तो हम वो जो इजाफी स्टेप्स हैं वो लेने पे मजबूर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मुझे पूछने दीजिएगा कि आप कह रहे हैं अगले कुछ दिनों में, और माजरत के साथ ये पहले भी हमने फिक्रा सुना है, मुतअद्दिद मरतबा सुना है, वी आर नॉट लॉक्ड हैप्पी, हम ये नहीं कह रहे लॉकडाउन करें क्योंकि हमें मालूम है इसके कितने पेचीदगियां हैं, लेकिन जो इस वक्त तेजी से वबा फैल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए कोई यकीनन आप लोगों ने टाइमलाइन तो रखी होगी कि भाई हम अगले 3 दिन देखते हैं, 4 दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, 6 दिन, कुछ क्या जरा बताइए नाजरीन को प्लीज। अगर आपने एक नंबर ही मुझसे लेना है तो मैं आपको कह देता हूं कि 4 दिन और। ठीक है, नहीं नंबर हमने नहीं लेना, हमें सेंस ये हम चाह रहे हैं कि पता चले। मैं आपसे वो कह रहा था, बिल्कुल ये आपका सवाल दुरुस्त है कि कोई एक क्लियर नंबर होना चाहिए और हमारे जहन में है 4 दिन और तकरीबन। अच्छा 4 दिन और, अच्छा ये तो आपने इसकी बात कर दी। दूसरा, और कराची में तो जैसे आज सीएम ने कह दिया कि जी आप लोग जो कर रहे हैं वो वफाक हमारी बात नहीं मान रहा, तो हम जा रहे हैं फॉर दिस स्टेप के 20% ऑफिस में लोग होंगे और स्कूल बंद, कॉलेज बंद, और जो प्राइवेट दफातर हैं उनको भी कहा कि 50% पे आए, तो सिंध इज ऑलरेडी डूइंग दिस। जरा स्विच करते हैं, अच्छा केपीके में मुझे बताइएगा कि मर्दान में तो 40-50% के दरमियान पॉजिटिविटी जो है वो हवर कर रही है, तो ये तो दिस वुड बी अ केस फॉर इमीडिएट लॉकडाउन डॉक्टर साहब या नो? उन्होंने ऑलरेडी ये कदम ले लिया जी, मर्दान के अंदर उन्होंने ऑलरेडी एक बहुत रिस्ट्रिक्टिव किस्म का सिस्टम ले आए हैं, लॉकडाउन उसको आप कह सकते हैं, दे हैव ऑलरेडी डन इट। ठीक है, ओके। अच्छा तो अब ऑक्सीजन पे आ जाइएगा बड़ी तेजी से, क्योंकि हमारे पास अभी डॉक्टर असफंदियार साहब भी बात कर रहे थे हमसे प्रोग्राम से पहले, और ये बार बार हम हर जगह से यही सुन रहे हैं, और ये रिपोर्ट्स आ रही है, मुसद्दका रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, वी आर रनिंग टू कैपेसिटी, खुदा ना खास्ता अगर ये फ्लैट नहीं होता भी जो इस वक्त एक हम्प बन रहा हुआ है, तो फिर ऑक्सीजन जो और जरूरत होगी उसका क्या होगा? नाजरीन चाहेंगे कि आप बड़ी क्लियरली बताएं कि हुकूमत ने क्या अरेंजमेंट किया है, और जरा दिन के मुताबिक बताएं कि नेक्स्ट 2 डेज में क्या करेंगे, 4 डेज में ऑन द ऑक्सीजन फ्रंट। सबसे पहले तो जी ऑक्सीजन के मैटर को डील करने के लिए जो सबसे अहम वो चीज है जो इसका आपने ऑलरेडी जिक्र कर दिया या हमारी बात हो गई, इन अदर वर्ड्स आपने बीमारी को रोकना है, वरना आप जितनी मर्जी एडिशनल ऑक्सीजन कर लें और अगर बीमारी ऊपर चढ़ती रहे तो वो किसी वक्त उसको ओवरवेल्म कर सकती है। सो पहला कदम तो वो है कि आपने बीमारी के फैलाव को रोकें। अब आते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को किस तरह यकीनी बनाया जाए। जो आपकी मौजूदा ऑक्सीजन सप्लाई है ये पिछले साल की निस्बत इसमें तकरीबन 40% के करीब इजाफा किया गया था, उसके बावजूद इस वक्त हम तकरीबन 90% पे चल रहे हैं, 90% यूटिलाइजेशन जो कैपेसिटी है फुल। अच्छा, उसमें जो एक पोर्शन है वो इंडस्ट्री को जा रहा है, सो अगर बहुत हालत खराब होती है, हमारे पास एडिशनल रिक्वायरमेंट आती है, तो इंडस्ट्री से भी काफी सारी डाइवर्शन की जा सकती है, कुछ कैपेसिटी वहां से क्रिएट की जा सकती है। दूसरी चीज जो इसमें है डाइवर्शन के अलावा वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। हमारे हेल्थ सिस्टम में बहुत सी ऑक्सीजन यूज हो रही है, आज हमने कुछ गाइडलाइंस भी इशू की हैं, और उनका ताल्लुक है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारे एंड पे जो यूज हो रही है हम उसको मुनासिब और प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, और खुदा ना खास्ता इतनी टाइट सिचुएशन में हम 1 लीटर भी उसका जाया करना ना करें। तीसरी चीज ये है कि इसके अलावा जो इंपोर्ट की यानी बरामद की ऑप्शन है उसको भी एक्सप्लोर कर लिया गया है, और वो भी चंद दिनों में मुमकिन बनाई जा सकती है। और थोड़ा सा जी माजरत के साथ डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने ये हमें सुनने में जरा वेग लगता है माजरत के साथ, जब आपने कहा कि बनाई जा सकती है कुछ दिनों में, तो हैव यू चॉक्ड आउट अ प्लान ऑफ एक्शन के जी वी आर गोइंग टू डू दिस, व्हाई वेट फॉर द इवेंचुअलिटी, कुछ ऑलरेडी आप प्लान कर रहे हैं इंपोर्ट करने की? जी बिल्कुल, नोबडी इज वेटिंग, वी आर वर्किंग ऑन पैरेलल फ्रंट्स, एक से ज्यादा सोर्सेज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन सारी चीजों के नाम ले देने यहाँ फिर उसको उसकी अवेलेबिलिटी के मिसाल पड़ जाते हैं, लेकिन ये बड़ी क्लियर कोजेंट बाय प्लेस और बाय अमाउंट बात हो रही है। ठीक, ओके। अच्छा लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब फ्लाइट्स का बता दीजिएगा कि एक तो ये हिंदुस्तान से जो आए थे
लोग सिख आए थे करतारपुर में, और हमें जब वो आए थे शायद उस वक्त भी हिंदुस्तान में काफी सूरत हाल बिगड़ी हुई थी, और ये जो आके चले गए हैं और वहां से रिपोर्ट्स हुई कि 350-350 को कोविड टेस्ट पॉजिटिव थे ऑन अराइवल, तो ये जो सवाल लोगों के जहन में है कि जो इंडिया का स्ट्रेन है वो इतना डेंजरस है, क्या वो यहाँ छोड़ गए उस स्ट्रेन, आई मीन ऑब्वियसली इट्स अ वेग क्वेश्चन, लेकिन वन दैट जो लोगों के जहनों में है। और दूसरा ये फ्लाइट्स का भी बता दीजिएगा कितना टाइट कंट्रोल है, एक जमाने में था फिर बड़ा लूस हो गया, जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं दोनों तीनों चीजों का जिक्र कर देता हूँ। एक तो ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसके बारे में मैं आपको क्या क्या कितना ही कह सकता हूँ कि कितने लोग पॉजिटिव हुए, उसकी डिटेल जब तक हाथ में ना और पॉजिटिव क्लियर डिटेल ना हो उसके बारे में कमेंट करना गैर जिम्मेदार होगा। लेकिन ये आपको बता दूं कि जब यात्री आए थे उनकी उनकी टेस्टिंग, उनका अराइवल, उनकी मूवमेंट जो थी एक बड़े स्टैंडर्ड तरीके से थी। अच्छा, दूसरी बात, ये लोगों को एक गलत फहमी है कि जो इस वक्त इंडिया में ये जो इतनी तेजी से बीमारी है वो कोई उनके सिर्फ नए स्ट्रेन की वजह से है। उनके यहाँ एडिशनल स्ट्रेन डिस्क्राइब किए गए हैं, लेकिन प्रेडोमिनेंट स्ट्रेन उनके यहाँ B.1.1.7 ही है जो यूके वाला स्ट्रेन कहलाता है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद बिकॉज ये इजाफी स्ट्रेन चल रहे थे तो इंडिया से फर्दर मूवमेंट जो थी हमने बंद कर दी। अब आ जाते हैं फ्लाइट्स के ऊपर। ये फ्लाइट्स की कुछ फर्दर इंप्रूवमेंट या कर्टेलमेंट की जरूरत है, उस चीज को भी एनालाइज किया जा रहा है तमाम उसके प्रोज एंड कॉन्स देख के कि कितनी कैसी और उसका क्या तरीकाकार हो। लेकिन एक गलत फहमी कई दफा लोगों को होती है कि सिर्फ जो वायरस है खुदा ना खास्ता किसी और ही मुल्क से आता है, हमारे मुल्क में ना वो म्यूटेट कर सकता है ना उसका स्ट्रेन बन सकता है, और हमारे यहाँ जो हजारों लोग हैं वो फर्दर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, इंटरनेशनल ट्रैवल एक इंपॉर्टेंट कंटेनमेंट स्ट्रेटजी जरूर है, बट इट्स नॉट द एंड ऑल एंड बी ऑल। सबसे ज्यादा आई डोंट थिंक एनीबॉडी थिंक्स दैट डॉक्टर साहब सऊदी अरेबिया, कनाडा, यूके और ये सब ममालिक बंद कर रहे हैं, बंदिश लगा रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है। आप सही फरमा रहे हैं कि खुद भी पाकिस्तान के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। वैक्सीन पे बड़ी क्रिटिसिज्म है, और एम आई करेक्ट डॉक्टर साहब कि आपने भी जो फरमाया कि जो हर्ड इम्यूनिटी है उसके लिए जो वैक्सीन की जरूरत है और लगाएंगे वो अगले साल मई जून से पहले नहीं हो पाएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल ये है कि जो बड़े ममालिक हैं ना, पाकिस्तान जैसे या इंडिया जैसे या चीन जैसे, उनके यहाँ वैक्सीन जो है वो एज अ मीन्स ऑफ कंटेनमेंट उसको वक्त लगता है, यानी इन अदर वर्ड्स कई महीने लगते हैं आपको उस तादाद तक पहुंचते ताकि आप हर्ड इम्यूनिटी ला सके। तो आपका आपकी बात दुरुस्त है, मई का मैं नहीं कह सकता, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एंड ऑफ द ईयर तो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसका भी मैं जवाब दे दूं। 5 लाख डोजेज जनवरी में आई, 7 लाख फरवरी में आई, 10 लाख मार्च में आई, 30 लाख अप्रैल के आखिर तक आ जाएंगी, और फिर इसी तरह ये बतदरीज सिलसिला चलता रहेगा। दो दिन पहले 93,000 एक दिन में वैक्सीन्स हुई हैं। तो ये शुरू में जरूर सिलसिला स्लो था, लेकिन वो तेजी पकड़ रहा है जैसे जैसे अवेलेबिलिटी वैक्सीन की बढ़ रही है। ठीक है, और लोग लगाना भी चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने। नाज़रीन, हमारे जो पैनल ऑफ स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने भी ये गुफ्तगू सुनिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, फिर हम अपने डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट बैठे हैं उनसे पूछेंगे कि उनका क्या ख्याल है इस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसी है उसके बारे में। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम अपने डॉक्टर्स जो का पैनल है उनसे पूछते हैं कि व्हाट डू दे थिंक ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है। डॉक्टर असवंद अल खान साहब, आप बताइए। देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक चीज तो बड़ी, वन थिंग एट अ टाइम, लॉकडाउन पे बहुत, यही चीज तो बड़ी क्लियर हो गई है कि कोरोना जो है इस वक्त इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ प्रिवेंशन है। अगर प्रिवेंशन हम कर सकेंगे, स्प्रेड को रोक सकते हैं, लोगों को इन्फेक्शन रेट गिर सकता है, तो इसके लिए जरूरी है लॉकडाउन। हमने वो तमाम स्मार्ट लॉकडाउन, छोटे छोटे लॉकडाउन, गलियों में लॉकडाउन, वो सारे देख लिए, लेकिन कोई भी काम नहीं कर गया। इस वक्त हमें अब एक डिसीजन लेना है, हुकूमत को अब डिसीजन लेना पड़ेगा। होगो कि ये उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन हमें डिसीजन इसलिए लेना है कि जिंदगियां बचानी है। भूख से इंशाल्लाह कोई नहीं मरेगा, लेकिन अगर लॉकडाउन हमने नहीं किया तो हम इंडिया वाले सिचुएशन की तरफ बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। एक दफ़ा मूव कर गए तो फिर उसको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं, हमारा सिस्टम हेल्थ इतना मजबूत नहीं है कि वो उस वो उसको बर्दाश्त कर सके। डॉक्टर निज़ामी, लॉकडाउन पे आपकी क्या पोजीशन है? आपने गवर्नमेंट की पोजीशन सुन ली, उन्होंने कहा 4 दिन और हम इंतजार करेंगे अभी। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, अगर मुझे मतलब थोड़ा सा 1.5-2 मिनट आप दे दें तो मैं आपसे शेयर करूं। मैंने फैसल सुल्तान साहब की गुफ्तगू बड़े इनहा के साथ सुनी, और मैसेज वही है जो इनकी हुकूमत की तरफ से है कि आपने घबराना नहीं। वेयर एज द फैक्चुअल सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट है मैडम। आप इस्लामाबाद में देखें कि पेम्स के अंदर जो हालात इस वक्त आए हैं,
लाहौर के अंदर जो जिस नहज के ऊपर हालात पहुंचे हुए हैं, केपीके के अंदर हालात जिस नहज पे पहुंचे हैं, पॉजिटिविटी रेट जो उन्होंने कहा कि मतदान के अंदर हमने 45% के ऊपर वहां पे लॉकडाउन कर दिया है, सरगोधा के अंदर ये 75% पॉजिटिविटी गई है और वहां पे किसी किस्म के ऐसे इकदाम नहीं हुए। हुकूमत ने एक ठहरानी है और पता नहीं क्यों जिद के अंदर है कि हमने लॉकडाउन लगाना, नई नई तरजीहात निकालनी है कि हमने जी स्मोकडाउन करना है, माइक्रो लॉकडाउन करना है और इस खुशफहमी में रहना है कि दुनिया हमसे सीख रही है। वेयर एज मैं समझता हूं कि ये जिस हालात के अंदर हम गुजर रहे हैं, अगर आप पिछले साल के 21 अप्रैल 22 अप्रैल को देखें तो हमारे पास एक्टिव केसेस 800-900 केसेस थे, जबकि आज हमारे पास 86,000 से ज्यादा है, 87,000 के करीब एक्टिव केसेस है। पिछली लहर के अंदर जब कहती थी कि वो कौन सी वजह से पहली लहर के अंदर, नो डाउट परवरदिगार ने पर कर्म किया कि हमारे दाएं बाएं हालात बुरे रहे लेकिन पाकिस्तान उससे बच गया। मैं समझता हूं कि इस लॉकडाउन स्पेसिफिक के एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर इस वक्त मुल्क के अंदर वबा इस तरह फैली हुई है तो इस वबा को रोकने का हमारे पास क्या हल है। एक चीज की अभी उन्होंने कहा कि हमारे सिख यात्री, हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पे आए और 200-300 जाके पॉजिटिव हुए जब वो वापस गए हैं। मेरा मानना यह है कि ये ऑलरेडी देवर इन्फेक्टेड, वो इन्फेक्टेड डाई इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर हमारे साथ थे, यहाँ रहे और उनसे भी खुदा ना करे, मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कतई तौर पर, लेकिन साइंस कहती है कि वो इन्फेक्ट इंसान को करते हैं, वो करके जब वापस गए तो आइडेंटिफाई हो गया वहां। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने जो डॉक्टर साहब एक मिनट, जो अभी आप फरमा रहे हैं कि इन्होंने पॉलिसी ये कहा है घबराना नहीं, हमने तो बड़ी क्लियरली सुना है उन्होंने कहा कि 4 दिन और देखेंगे फिर एक्शन लेंगे, और उन्होंने कहा ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है, इसमें कुछ करने की जरूरत है। आप बड़ी क्लियरली फरमा रहे हैं जैसे असफंदार साहब कह रहे हैं कि लॉकडाउन करें और कहा सरगोधा में हुआ लेकिन कुछ किया नहीं। रूहला मुकीम साहब आप फरमाइएगा कि मर्दान की जरा सिचुएशन बता दें, बिकॉज वो बार बार फिगर कर रहा है डिस्कशंस में कि 50% भी हो गया, 40 भी हो गया। क्या आपकी केपीके की हुकूमत टोटल लॉकडाउन जहां इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है वो कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। केपी का मैं जरा बताऊं कि केपी में हम हर सुबह मॉर्निंग में हेल्थ मिनिस्टर के साथ हमारे पूरे प्रोविंस के जो हॉस्पिटल डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर और एमएस है, इनकी एक मीटिंग होती है, तो हम पूरे प्रोविंस की असेसमेंट करते हैं डेली बेसिस पे कि इस वक्त जो है पेशेंट का फ्लो कितना है, हमारी कैपेसिटी कितनी है और हम आगे जो है इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो मेरे ख्याल में आज की जो मैं आपको फिगर दूं खैबर टीचिंग हॉस्पिटल का, मैं चूंकि हॉस्पिटल डायरेक्टर हूं, इस वक्त जो हमारे पास सिचुएशन है, हमारे पास 106 आइसोलेशन के जो बेड्स हैं उसमें 103 पेशेंट जो है वो है और 3 बेड्स जो है हमारे पास इस वक्त जो है वो वेकेंट है। कुछ मरीज जो है वो वेंटिलेटर पे हैं और मर्दान की जरा सिचुएशन ज्यादा वो थी, तो वहां पे गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ले लिया है, अब देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स का क्या आता है, लेकिन ओवरऑल हमारे जो सिचुएशन है वो इतना, लास्ट जो 2-3 दिन की मैं जरा रिपोर्ट बता दूं तो उसमें तो जरा मॉर्टेलिटी भी हमारे 24 आवर में 2-3 मॉर्टेलिटी होती थी, अब लास्ट जो 3 डेज है उसमें मॉर्टेलिटी भी कम हुए हैं और जरा पेशेंट का वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो हमारी जो सुबह मॉर्निंग में खैबर लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है वहां पे जो है उस फ्लो जरा ज्यादा है, वहां पे 400+ जो है हमारे साथ मरीज एडमिट है, लेकिन हालात जो है इस वक्त जो है वो तो इंशाल्लाह जो है वो कंट्रोल में है, ऐसे सिचुएशन नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल में इस वक्त। जो डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे तो हो सकता है कि कमिंग डेज में, और मैं इसमें जरा एक बात ऐड कर दूं कि तरावी के हवाले से, क्योंकि हमारे जो SOPs हैं वहां पे स्पेशली रात को मस्जिद में वो SOPs फॉलो नहीं होते, इसकी वो एक वजह मेरे ख्याल में ये भी है कि वहां से जो है इन्फेक्शन का और कोरोना का जो है वो स्प्रेड हो रहा है। अच्छा वहां से हो रहा है, ठीक है। आपने ये भी फरमा दिया आपको लग रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने खुद कहा कि जहां 106 बेड्स हैं 103 ऑक्यूपाइड है, यानी कि यू आर ऑलमोस्ट 99% टू योर कैपेसिटी जिस अस्पताल में आप खुद हैं, आपने उसका जिक्र किया, ठीक है जी। ये बताइएगा असफंदार साहब के जो अब हालात हैं हॉस्पिटल में,
जो चाहे ऑक्सीजन है, चाहे बिस्तर हैं, चाहे अद्वियात हैं, तो इसमें जो आपको सपोर्ट मिल रही है हुकूमत से, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? यानी कि हुकूमत इज़ रनिंग टू कैपेसिटी। हुकूमत इस हवाले से, हुकूमत की बिल्कुल रोल बड़ा पॉजिटिव है और इन टाइम है। बेसिकली एनसीओसी का रोल बड़े पॉजिटिव है इसमें, लेकिन एक हॉस्पिटल की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से पेशेंट्स ज़्यादा आएंगे तो किसी भी सूरत कोई भी उसको और कम नहीं कर सकता। इसलिए हमें ज़्यादा जोर मेडिसिन की सप्लाई से और ऑक्सीजन के साथ साथ हमें SOPs पे डालना है, हमें पूरी कौम को एक हो के इसको एड्रेस करना है, उलमा को अपना रोल प्ले करना है। आज ये लोग कुछ घंटे बैठे थे उलमा के साथ, उन्हें एक्सप्लेन करने, हर बंदे को, हर जिम्मेदार शख्स को, अभी तक मैं बदकिस्मती से हर जिम्मेदार शख्स ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और हम इस स्टेज पे पहुंचे। जी निजामी साहब, आप बताइएगा कि अब हुकूमत, अभी आपने सुना यानी कि यकीनन उतना नहीं करी जितना आप चाह रहे हैं जैसे आपने कहा, लेकिन हुकूमत यानी अलावा लॉकडाउन के, इमीडिएट लॉकडाउन के जिसके बारे में वो कहते हैं पेचीदगियां, हुकूमत is doing what it can, public तो बिल्कुल नहीं सुन रही डॉक्टर आप। देखिए मैडम, मैं एक बारे में बड़ा क्लियर हूं कि जब भी कोई चीज हुकूमत की तरफ से, हुकूमत अगर करवाना चाहती है तो हुकूमत उनको देखती है, आवाम उनको देखती है हुकूमत को, कि हुकूमत के अपने रवैये कैसे हैं। आपने खुद सुना होगा कि NCOC के जो चेयरमैन हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने फरमाया कि ईद आ रही है तो अभी से जल्दी से आप अपनी खरीदारी कर लो। मतलब इटसेल्फ गवर्नमेंट जैसे कर रही है, और इससे पहले भी उन्होंने एक दफा फरमा दिया था, मतलब एक बड़ा लाइट मूड के अंदर ही, कि एक्सीडेंट के अंदर लोग इससे ज्यादा मर जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो अवामुन नास जो हैं, इनको भले हम आपके साथ बैठ के या हुकूमत बैठ के हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाजी मुआशरती रवैये अच्छे नहीं है, लेकिन फैक्ट इज कि आज मुल्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ा जलसा कर दिया वहां पे जाके, बट द मैसेज इज बीन कन्वेड। मेरा एक सिंपल सा ये मानना है कि इस वक्त वी आर इन एमरजेंसी, और बदकिस्मती से मैं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो समझता हूं कि हुकूमत जो होती है वो एमरजेंसी की स्टेट में नहीं रहती, प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जाते हैं कि कल देख के वो फैसला करते हैं कि कल क्या होने वाला है और हमें क्या करना चाहिए। अभी आप देख रही हैं कि आज भी मतलब बसफंद बैठे हैं तो पेम्स की हालात बता रहे हैं कि पेम्स के अंदर कैसे हालात हैं, KPK के हमारे दोस्त बता रहे हैं कि वहां पे अगर 106 में से 103 के ऊपर हो गया, मीन बाय 100% ऑक्युपेंसी इज देयर, और आगे जाके बढ़ के देन व्हाट हैज टू बी डन। इसके लिए हमने जो गुजारिश की थी कि एक चीज है कि हमें प्रिवेंशन की तरफ था, अवेयरनेस की तरफ है। क्या हुकूमत ने एक साल, आप अपने जरा दिल पे हाथ रख के बताइए कि हुकूमत ने अवेयरनेस की खातिर कितनी कंपेन की? आपने एज अ मीडिया पर्सोना जो था, आपके साथ हुकूमत ने कितना कॉन्टेक्ट किया या कितना आपको मजबूर किया कि आप अवेयरनेस कंपेन के अंदर अपना लोग किरदार अदा करें? मैं समझता हूं कि हुकूमत की तरफ से कुताही है और बेतहाशा कुताही है। इसका आइडेंटिफाई करना कोई मैं नहीं, हम इसके साथ बताते भी हैं, गुजारिश भी पेश करते हैं, हुकूमत की मिन्नत भी करते हैं कि खुदारा इस वक्त जो ओवरलोड हो रहा है हुकूमत के जो सरकारी बेड्स लाहौर के अंदर, मैडम 1 लाख से 1.5 लाख रुपया लग रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, एंड देयर इज नो बेड इन अ प्राइवेट सेक्टर। ये मैं जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात कह रहा हूं। हमने इनसे गुजारिश की कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ जो इनके अटैच्ड हॉस्पिटल हैं, खुदारा उनसे नेगोशिएट कीजिएगा। अगर आप उनको मतलब इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि आप हेल्थ एमरजेंसी के अंदर उनको नेशनलाइज करें और नेशनलाइज करके लोगों के साथ कुछ मदावा करें, तो ये TV पे बैठ के सब अच्छे की रिपोर्ट देना, आई थिंक ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन द ग्राउंड रियलिटी, द फैक्चुअल पोजिशन जो कि ग्राउंड पे है, आपको भी बहुत से फोन आते होंगे देखने के लिए कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कीमत ही नहीं है। अभी कल जो है सेक्टरी हेल्थ साहब ने फरमा दिया कि ऑक्सीजन सिलेंडर के खातिर हमारे पास तो कीमत ही कोई फिक्स नहीं है। वटा कंट्री के जहां पे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत जो है वही भी फिक्स नहीं की है, और ऑक्सीजन की शॉर्टेज की खातिर और इंडिया की हम मतलब वो सारे व्यूज दिखा के ये समझते हैं कि हम इसके साथ और लोगों के अंदर हम किसी तरह से ये फैला देंगे कि लोग उसको देख के कोई मतलब अपने आप को बिहेव करना शुरू कर देंगे। वो तो इंपॉर्टेंट है जी, वो कोई गलत अप्रोच तो नहीं है। वेरी बिल्कुल दुरुस्त है मैडम, बिल्कुल दुरुस्त है मैडम, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो अपने के लिए, और हम जैसे, एंड आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध कि उन्होंने जो ये किया है कि 20% उन्होंने हाजिरी कर दी है, हाजिरी कम हो, इंटरसिटी उन्होंने जो बंद कर दी है। निजामी साहब बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, हुकूमत को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और ज्यादा फोकस्ड होने की जरूरत है, और ज्यादा टफ मेजर्स लेने की जरूरत है, क्योंकि अच्छी बात तो ये थी जो प्राइम मिनिस्टर ने शुरू में कही कि जी आपको समझा रहे हैं पब्लिक, आप हमारी बात सुने, लेकिन पब्लिक बात नहीं सुन रही है,
और दूसरी तरफ हुकूमत के हवाले से भी बड़े इकदाम लेने की ज़रूरत है, और आखिर में ख़तरा हम सबको है, और ख्याल करें अपने प्यारों का, कौन सा घर है जहाँ के इस वबा ने किसी ना किसी को नहीं पकड़ा, कौन से आपके दोस्त अहबाब हैं जहाँ आपको नहीं मालूम कि दर्जनों के हिसाब से लोगों को ये वबा फैल रही है। और बिल्कुल मैं कहूँगी कि हिंदुस्तान की तरफ नज़र करें, उनके लिए दुआ करें और सीखें, और खुदारा ये जो मास्क है इसको लाइटली ना लें। बहुत शुक्रिया आप सबका डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसी पर हम ये सेगमेंट ख़त्म करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे जस्टिस फैज ईसा साहब के केस पे आज जो फैसला है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया था, ये साल भर से ज्यादा की बात है। जब ये रेफरेंस दायर हुआ उस वक्त काफी लोगों ने तनकीद की कि रेफरेंस में जान नहीं है, ये गलत तैयार हुआ है, इसमें देर आर मैनी लूप होल्स देर। लेकिन बहरहाल द प्रेसिडेंट वेंट अहेड और ये फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में गया, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उसको वापस भेज दिया, लेकिन उसके नतीजे में एक और खाता खुला, और खाता खुला कि जी प्रॉपर्टी की बात है, उनकी बेगम की प्रॉपर्टी की बात है, और उनकी बेगम की प्रॉपर्टी जो है उससे ये भी नथी है, और फिर पैसा कहां से आया, FBI ने केस खोला। इसमें एक हुकूमत की तरफ से जो बड़े की प्लेयर थे वो थे शहजाद अकबर साहब, जो बड़ी उनकी वो बड़ी फेम है उनकी, वो बहुत से लोगों के खिलाफ केसेस को तैयार करते हैं और खूब तैयार करते हैं, नतीजा क्या निकलता है बहरहाल वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन मुख्तलिफ नतीजा निकलता है। अब आज जो हमारे सामने जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, जजमेंट इन फेवर ऑफ जस्टिस फैज ईसा साहब, जिसमें कि उनकी बेगम की भी एक थी पटिशन, और उसको उन्होंने रिव्यू पटिशन दायर की, ये कहा गया कि वो रिव्यू किया जाएगा, और जो कोर्ट ने माना और ऑर्डर जो इशू किया कोर्ट ने, उसके नतीजे में जो जस्टिस फैज ईसा और उनकी बेगम के हवाले से जो FBI में रिपोर्ट्स आई, जो इंक्वायरीज हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो आपने देखा, जिसके फिर हम कहेंगे कि काफ़ी पीछे से जो मुतहर्रिक थे वो शहजाद अकबर साहब थे, तो ये आज अगर हम कहें कि पूरा का पूरा जो जो रेफरेंस था वो पूरा का पूरा क्वॉश हो गया, उसको ख़त्म किया गया। इस पर हम बात करेंगे नाज़रीन, हमारे साथ सेनेटर अफर साहब हैं इस वक्त, वो बताएंगे हुकूमत का इस वक्त क्या रिस्पॉन्स है इस पर, और हमारे साथ हामिद खान साहब हैं फॉर्मर प्रेजिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, तहरीके इंसाफ से भी ये इनका रहा है, ही इज़ बीन पार्ट ऑफ तहरीके इंसाफ, तो उनसे भी पूछेंगे ये केस में, ही वॉज वन ऑफ द लॉयर्स फाइटिंग अगेंस्ट द एक्शन टेकन जो कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के हवाले से था। तो अली जफर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी सेनेटर अली जफर साहब, जरा बताइएगा कि जो रेफरेंस दायर किया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आज आप क्या कहेंगे इस जजमेंट के बाद उस रेफरेंस के हवाले से? जी देखिए, इसकी बैकग्राउंड बड़ी अब क्लियर हो गई है। रेफरेंस दायर हुआ था, पहली जजमेंट में रेफरेंस को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मेजोरिटी से कलदम करार दे दिया था, और ये कहा था कि अब दोबारा से FBI देखेगी मामले को, और देखने के बाद फिर अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास भेजा जाएगा मामले को। आज जो फैसला आया है उसके उस फैसले के खिलाफ काफी सी रिव्यू पिटिशनें फाइल हुई थी। एक रिव्यू पिटिशन काजी फैज ईसा साहब ने भी फाइल की थी, एक उनकी वाइफ ने की थी, और कुछ बार काउंसिल ने की थी। आज जो फैसला आया है मेजॉरिटी से, उसमें बड़ा वाजे तौर पे ये बात कर दी गई है, और वो ये है कि जो बाकी पिटिशनें थी, रिव्यू पिटिशन जो काजी फैज ईसा साहब की वाइफ की थी और जो बार काउंसिल की थी, वो मंजूर फरमा दी गई हैं, और जो ओरिजिनल जजमेंट के तहत FBI के पास मामला भेजा गया था कि आप तफ्तीश करें और इन्वेस्टिगेट करें, वो सारे कार्रवाई खत्म कर दी गई है। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि अब वो मामला जो काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ शुरू हुए थे रेफरेंस के फाइल करने के बाद और सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जजमेंट के खिलाफ, वो सारे खत्म हो गए हैं। उसके साथ साथ
मेजोरिटी पांच जजेस ने, इक्वल अमाउंट पांच जजेस ने फैसला किया कि काजी फैसल साहब ने जो रिव्यू पिटिशन फाइल की थी वो पांच जजेस ने एक्सेप्ट कर ली है और पांच जजेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो जहां तक काजी फैसल साहब की रिव्यू पिटिशन का ताल्लुक है वो तो बराबर डिसीजन है, लेकिन जहां तक बाकी पिटिशनों का ताल्लुक है वो चूंकि मेजोरिटी से एक्सेप्ट हो गई है इसलिए उसका अब इफेक्ट ये होगा, उसका असर ये होगा कि जितना कार्रवाई हुई थी पिछली जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की, एफबीआर के सामने या किसी और एजेंसी के सामने, वो सारी कलदम करार दे दी गई है, वो नल एंड वॉइड है। तो हुकूमत का इस पे रिस्पांस कोई, क्योंकि ये रिव्यू था तो मैं ये भी जिक्र करता चलूं कि इसके बाद इसके मजीद कोई अपील या रिव्यू इस जजमेंट के खिलाफ नहीं हो सकती। तो द रेफरेंस इज डेड एंड गॉन फॉरएवर, इसमें अब कुछ और नहीं होगा जी। फिलहाल तो ये इस शॉर्ट ऑर्डर से तो ये लगता है अनलेस कोई डिटेल रीजन में कोई तब्दीली आए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अली जफर साहब हमसे बात करने का। जी हामिद खान साहब, तो आप तो यू मस्ट बी वेरी सेटिस्फाइड इस जजमेंट से। हाँ जी जी हाँ, मैं तो खुद चार पिटिशनर्स का वकील था तो हमने यही कहा था कि ये जो पिछले साल 19 जून का ऑर्डर था उसमें क्वेश्चन की हद तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद जो पहले चार से लेके 11 तक उसमें डाले गए थे जिसमें ये कहा गया था कि मामला हम एफबीआर को रेफर कर रहे हैं कि वो इंक्वायरी करके 90 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, और फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अगर मुनासिब समझे तो उस रिपोर्ट की बुनियाद पर काजी फाइसा के खिलाफ जो है वो सो मोटर रेफरेंस ले ले और एक्शन ले। तो ये जो हिस्सा था उसके खिलाफ हमने रिव्यू पिटीशन फाइल की थी जिसमें काजी साहब की भी थी, उनकी बेगम साहब की भी थी और हमारी बार काउंसिल बार एसोसिएशन की वो पिटीशन थी। आज जैसे अली जफर साहब ने कहा है सारी पिटीशन जो थी वो मंजूर हो गई है, 6 और 4 से। काजी साहब की जो अपनी पिटीशन थी उस पर बराबर वोटिंग रही 5 और 5, लेकिन इफेक्ट जो है सारी शॉर्ट ऑर्डर का और जो जजमेंट फिर उसकी बुनियाद पर आएगी वो ये है कि जितनी भी कार्रवाई जो थी 19 जून के बाद एफबीआर ने की है या जो कुछ रिपोर्ट सबमिट की है एफबीआर ने सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने वो कलअदम हो गई है।